चल फटाफट फटाफट लेके चल रहे हैं जाम को जाम से निकलता हुआ चल रहा हूँ। बहुत बड़ी अंकल कैसे लेट हो रहे हैं इतना। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। क्या हाल चाल है सभी के। आज मैं जा रहा हूँ एक ऐसी जगह जिसके बारे में शायद आपने बहुत बार सुना होगा। मैं जा रहा हूँ हरिद्वार। तो दिल्ली से हरिद्वार हम लोग जा रहे हैं बाय बस, और हमारी जो बस है वो है ISBT कश्मीरी गेट से, और बस हमारी है 7 बजे की। और एज़ यूजल हम हर बार की तरह यहाँ भी लेट हो रहे हैं, तो कश्मीरी गेट नहीं पहुँच पाएंगे। मेरी अभी बस ड्राइवर से बात हुई तो उन्होंने बोला कि बस कुछ 10-15 मिनट लेट है, तो कश्मीरी गेट ना जाते हुए अब हम लोग जा रहे हैं दिलशाद गार्डन मेट्रो, तो वो हमें दिलशाद गार्डन मेट्रो से पिकअप कर लेंगे। तो हमारी आज की कहानी में दो लोग और हैं, तो मिलवाते हैं उनसे भी आपको। हमारे नवीन भाई जिनसे आप पहले मिल चुके हो, और ये है हमारे गिरिराज भाई जिनसे आप अभी मिल रहे हो। तो बस वीडियो चालू करते हैं अब। और हाँ, वेलकम बैक टू द चैनल। फट से एक ऑटो पकड़ो और दिलशाद गार्डन मेट्रो के लिए रवाना हो लो। फटाफट लेके चल रहे हैं। जाम से निकलता हुआ चल रहा हूँ। बहुत बड़ी अंकल कैसे लेट हो रहे हैं इतना। आज अपने हमारे में काम बंद पड़े हुए हैं। हरिद्वार में काम आ गया। चल दो फिर अंकल, चल दो लेके चल दो। मेरा ऑटो पहले करके चलता मेरा। कोई बात नहीं, अब कर दिया पहले नहीं करा तो। अरे तुम बम्बई चला जाएगा, ये ऑटो और ये तो पेट्रोल से भी है ना। अच्छा, पेट्रोल भी है। हाँ पेट्रोल कितना लीटर आता है? पेट्रोल 2.5 लीटर। अच्छा, क्या में लेना पड़ेगा कुछ समझो कुछ टंकी। अच्छा, कैन वैन का। अंकल इस रोड पे मिलेगा जाम हमें? अब टाइम हो रहा है, ये ऐसी लग रहा है आपने कोई गाड़ियां खड़ी है ना। नहीं, यहाँ पर बत्ती ना बड़ी बड़ी है, लंबी लंबी रेड लाइट है। अब ये की बत्ती दो घर के इधर मुड़ा में और का दुमा को किलर से चला ना फटाफट उससे बोल। तो कहते हैं जब भी आप ट्रैवल कर रहे हो तो ज़्यादा हवड़ दबड़ मत करो। हम चाहे कितना भी प्लानिंग कर लें, लेकिन हम जब भी कहीं जाते हैं तो ऐसा ही होता है, कुछ ना कुछ सीन क्रिएट होता ही होता है। तो अभी सब चीज़ ऑन प्लान चलने के बाद भी हम लोग इतना लेट हो रहे हैं। हाँ ये सही है नवीन, तू ऊपर चढ़ जा, वहाँ से देखता रहा, बस आ रही है नहीं आ रही। फाइनली अपनी बस आ ही गई, चलो फिर चले। लंबा वाला बैग ना डिग्गी में रख दे, इसमें कुछ है नहीं, डिग्गी में रखवाना है इसीलिए तो बोल रहा हूँ। तो ये है अपनी शाही सवारी जिसमें हम लोग हरिद्वार जा रहे हैं, और बाकी चलते हैं अपने भाई लोगों के पास, थोड़ी उनकी भी सुन लेते हैं। सो डिनर वगैरह सब हो गया है, सब खा लिया अच्छे से, और अभी हम वापस हरिद्वार के लिए निकल गए। बस की सीटिंग इतनी कंफर्टेबल थी कि बैठे बैठे पता ही नहीं चला हरिद्वार कब आ गया। और ये जो आप देख रहे हैं ये है हर की पौड़ी, और हमें यहीं पर उतरना है। तो उतरते ही सबसे पहले एक रिक्शा पकड़ो और अपने होटल के लिए रवाना हो लो। जैसा हम खेल जाएं चल रहे हैं। तो अब लोग अब हमारे यहाँ अपने होटल में, तो ये कुछ अपना होटल है जहाँ हमने कराया, और आपको तो ये है अपना होटल
जिसमें हम लोग अभी ठहरे हुए हैं। तो अपना रूम ये है। वी आर रीच इन हरिद्वार और हम लोग दिल्ली से लगभग 7 बजे के आसपास चले थे और हम लोग अभी टाइम हो रहा है 1 बज रहा है, तो तकरीबन हमें 5 से 6 घंटे हरिद्वार पहुंचने में लग गए। तो जितना लोग बाग बता रहे हैं कि हरिद्वार में इतना जाम है, ये है, वो है, तो इतना तो हमें कुछ ज़्यादा कुछ खास मिला नहीं, सब नॉर्मल ही था। मतलब इतना तो वीकेंड पे आपको हर जगह पे इतना ही जाम मिलेगा। अब देखते हैं कल सैटरडे और बाकी कल आपको हरिद्वार दिखाते हैं। और आपको पता ही है पूरी वीडियो में हम लोग कितना जल्दीबाजी में थे, क्योंकि हम ऑलरेडी इतना लेट हो रहे थे। दिल्ली से हमारी 7 बजे की बस थी और मतलब कुछ ना कुछ ऐसा सिनेरियो हुआ या कुछ ना कुछ ऐसा सीन हुआ कि जिस वजह से हम बहुत ज़्यादा लेट हुए आने में। फटाफट करके हमने, क्योंकि हमारी बस थी कश्मीरी गेट से, लेकिन हम लोगों ने कश्मीरी गेट तक हम नहीं पहुंच पाते, तो हम लोगों ने फिर अपनी बस पकड़ी दिलशाद गार्डन मेट्रो स्टेशन से। तो वहाँ पर हम बाय गॉड ग्रेस के टाइम से पहुँच गए, क्योंकि वहाँ भी हम लोग ऑलमोस्ट लेट ही हो रहे थे। वो तो हमें ऑटो वाले हमारे अंकल सही मिल गए थे, तो उन्होंने जल्दी पहुँचा दिया हमें। बाकी ये है कि अब आपको कल हरिद्वार दिखाते हैं। और बाकी अब इस वीडियो को भी एंड करने का टाइम आ गया है, तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और आगे भी मिलते रहेंगे ऐसी। इतना ही कहना चाहूँगा बस, दुआओं में याद रखना।